आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। टोक्यो ओलंपिक में इजरायली जिमनास्ट अर्टम दोलगोप्याट ने इतिहास रचा वह अपने देश के लिए दूसरा ओलंपिक गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। जब पोडियम पर उन्होंने गोल्ड मेडल पहना तब पीछे इजरायल का राष्ट्रगीत हाथिकवा बजाया गया। लाइव देख रहे कुछ लोग चौंके क्योंकि धुन जानी पहचानी थी। कुछ ही देर में वीडियो ट्विटर पर आ गया और हल्ला मच गया। लोगों को हाथिकवा की धुन से अनु मलिक को याद करने लगे। मलिक ने इस धुन को दिल जले फिल्म के एक गाने मेरा मुल्क मेरा देश में इस्तेमाल किया है। कई लोगों को इस बात का पहली बार पता चला। लोग ट्विटर पर ना सिर्फ हैरानी जाहिर कर रहे हैं बल्कि अनु मलिक को उनकी चोरी के लिए खूब लताड़ा भी जा रहा है क्योंकि धुन एक जैसी है। दिल जले 1996 में रिलीज हुई थी। इसमें एक गीत है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन जिसकी धुन हाथिकवा से उठाई गई है। मजे की बात यह है कि हाथिकवा की धुन भी असली नहीं है। इसका म्यूजिक 16वीं सदी के एक इटालियन गीत ला मंटोवना से प्रेरित है। ला मंटोवना को पोलैंड स्पेन यहाँ तक कि यूक्रेन में भी अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जा चुका है। धुने चुराने के मामले में अनु मलिक का रिकॉर्ड गजब का है। एक रिकॉर्ड के अनुसार मलिक के 60 से ज्यादा गाने दूसरों के गीतों या धुनों से प्रेरित हैं या चोरी हैं। मलिक ने नुसरत फतेह अली खान की कई कव्वालियों और गीतों को बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया। अब सच सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अनु मलिक को खरी खोटी सुना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।